वॉइस। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में रूल इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में रूल का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले है। तो जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब ऑब्जेक्ट पहले लगता है, सब्जेक्ट लास्ट में लगता है। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलता है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट आई। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई पैसिव वॉइस में मी में कन्वर्ट हो जाता है, वी अस में, यू यू ही रहता है, ही हिम में, शी हर में चेंज होता है, दे देम में, और इट ही रहता है। तो ये थे वॉइस। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और ये थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज होता है ये हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है शी हेल्प्स स्टूडेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले है सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प्स, फिर ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। और पैसिव वॉइस में जब ये सेंटेंस चेंज होगा तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट दी स्टूडेंट्स, फिर इज एम आर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट हर। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है दी स्टूडेंट्स वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आया है, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है शी वो पैसिव वॉइस में लास्ट में आया है, और पैसिव वॉइस में शी हर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब आपको पता लग गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तब रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई लाइक्ड दिस फिल्म। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, फिर ऑब्जेक्ट दिस फिल्म। और इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट दिस फिल्म, फिर वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट मी। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था दिस फिल्म वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आया है, और जो सब्जेक्ट था आई वो पैसिव वॉइस में लास्ट में आया है। और एक्टिव वॉइस का आई पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और आई जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो गया है जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज
फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ही विल डू हिज वर्क। एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सबसे पहले है सब्जेक्ट ही, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, फिर ऑब्जेक्ट हिज वर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तब ये सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट हिज वर्क, फिर विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर हिम। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है हिज वर्क वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आया है, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ही वो पैसिव वॉइस में हिम में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि आप पहले ही रूल्स में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है ही इज ड्राइविंग अ कार। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है सब्जेक्ट ही, फिर इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ड्राइविंग, फिर ऑब्जेक्ट अ कार। ये सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो ये बनेगा ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। ये सेंटेंस बनेगा ए कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। इस सेंटेंस में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले है ऑब्जेक्ट अ कार, फिर इज, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, फिर बाय और फिर हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था अ कार वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आया है, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में ही वो पैसिव वॉइस में हिम में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज शी वॉज राइटिंग अ लेटर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है सब्जेक्ट शी, फिर वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जो कि है राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर। जब पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो ये सेंटेंस बनेगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। इस सेंटेंस में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले है ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर वॉज, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय और फिर हर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आया है, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है शी वो पैसिव वॉइस में हर में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।